नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। सीबीआई की एंट्री को लेकर के महाराष्ट्र सरकार ने आनंद फानंद में रोक लगाई है। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि जनरल कंसेंट क्या है और क्यों ये वापस लिया गया है। दरअसल होता क्या है कि सीबीआई एक केंद्रीय जांच एजेंसी है जो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत स्थापित की गई। इसको देश भर के किसी भी राज्य में जांच करने का अधिकार है और उसके लिए सामान्य तौर पे कोई भी राज्य क्या होता है कि एक जनरल कंसेंट दे देता है कि हाँ आप आ सकते हो, जांच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राज्यों को सेक्शन 6 में अधिकार मिला हुआ है कि चाहे तो ये प्रोविजन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको आने से पहले हमसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। वही महाराष्ट्र सरकार ने इन्वोक किया है, वही लगाया है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो है सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में जिस तरीके से मुंबई पुलिस की जांच को लेकर के सवाल उठे और सीबीआई को एंट्री हुई, उससे परेशान है। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके साथ धोखा किया गया है। बिहार में जुरिस्डिक्शन बन नहीं रहा था, राजीव नगर थाने में मामला दर्ज होता है और उसके बाद जो है पटना पुलिस पहुँच जाती है मुंबई जाँच के लिए। चूँकि राज्य की पुलिस थी इसलिए उसको तो रोक दिया। लेकिन जब जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले नीतीश कुमार सरकार ने इस मामले को सीबीआई को रेफर किया और सीबीआई ने टेक ओवर करके और मुंबई में जो है जांच करनी शुरू कर दी, उसको लेकर के वहां की सरकार फंस गई क्योंकि अब सीबीआई को रोक नहीं सकती थी। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट भी मामला चला गया था। तो जो महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उन्होंने माना है इस बात को कि हाँ हमें इस बात का डर था कि फिर हमारे साथ धोखा हो सकता था और ये सब हमें परेशान करने के लिए किया जा रहा है। संजय राउत बोल रहे हैं कि सीबीआई जैसे छोटे छोटे मामलों में घुसने लगी है, उससे डाउट होना स्वाभाविक सी बात है कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। खैर, तो इस डर की वजह से अब नया डर क्या है? तो आपको ध्यान होगा कि एक मुंबई में टीआरपी घोटाला मामला दर्ज हुआ है जिसकी जांच जो है मुंबई पुलिस कर रही है। इसको लेकर के जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार है उसने कुछ चैनल्स को अपने निशाने पर लिया है। उसका मानना है कि यदि ये जांच सीबीआई को चली जाएगी तो फिर वही खेल हो जाएगा जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में हुआ। अब ये सीबीआई को जाएगा कैसे? एक मामला लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज हुआ है जिसे कि एक विज्ञापन कंपनी प्रमोटर ने दर्ज कराया है और योगी सरकार ने उसको रिकमेंड कर दिया है सीबीआई को। बस जैसे ही ये बात महाराष्ट्र सरकार को पता चली कैसे ऐसे हुआ है और सीबीआई को मामला रेफर कर दिया गया, उसे कान खड़े हो गए। उसे लगा कि ये तो फिर से जो टीआरपी घोटाला है वो मसला जो है सीबीआई टेक ओवर कर सकते हैं, और जैसे सीबीआई टेक ओवर करेगी और जो लोग निशाने पे हैं या जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो कोर्ट में भी गए हैं और फिर इस मामले में केंद्र का दखल बढ़ जाएगा, एजेंसी की दखल बढ़ जाएगी और मुंबई पुलिस देखती रह जाएगी। मुंबई पुलिस को अपना हिसाब चुकता करना है, राज्य सरकार को अपना हिसाब चुकता करना है कि कुछ चैनलों पर उसके खिलाफ अभियान चलाया गया है। इसी डर की वजह से अचानक ये फैसला किया गया और इस फैसले की जड़ में वही है कि जब आप आपको जांच टेक ओवर करोगे, मान लें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने रिकमेंड कर दिया, आपने जांच टेक ओवर कर लिया और आप कहेंगे कि उस मामले में हम महाराष्ट्र सरकार में भी जांच करनी है, महाराष्ट्र में जाकर के जांच करनी है, तो उसको जो है महाराष्ट्र सरकार से अब आपको परमिशन लेनी होगी। तो ऐसा नहीं है कि जो महाराष्ट्र सरकार ने फैसला कर लिया वो अंतिम हो गया। अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भी ले जाया जा सकता है। जब भी एक से अधिक राज्य का मसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है कि इसकी जांच जो है सीबीआई कर रही है, इसकी टेल जो है निकल रही है महाराष्ट्र तक, लिहाजा जो है इसकी जाँच करने दी जाए, तो वो भी संभव है। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने एहतियाती कदम उठा लिए है और ये डरी हुई सरकार का फैसला है। हर सरकार राजनीति करती है और बिना राजनीति के उसका काम चल नहीं सकता और उसे दाव पे आजमाने का अधिकार है। तब देखते हैं कि मामला कहाँ जा कर के थमता है। तो इस पर हमारी रहेगी नज़र और आपको बताते रहेंगे। तो आप देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और...